हकीकत प्लस के मुहसिस दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चीनी नायब सदर पाकिस्तान पहुंच गए। वांग कुशान तीन रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। चीनी नायब सदर वजीर आजम इमरान खान और सदर ममलकत आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। अहम वादों का भी इम्कान है। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। चीनी नायब सदर वांग कुशान आज तीन रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। वांग कुशान इस दौरे के दौरान वजीर आजम इमरान खान सदर ममलकत आरिफ अलवी समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख्वाजा ने कहा है कि चीन के नायब सदर वांग कुशान आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं और वो 26 मई से 28 मई तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख्वाजा के हुकाम के मुताबिक वांग कुशान चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के खारजा अमूर के कलीदी रुकन है। हुकाम ने बताया है कि चीनी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह तबादलों को जारी रखना है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2018 ईस्वी और हालिया दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में वजीर आजम की शिरकत के बाद से आला सतह तबादलों में मजीद तेजी आई है। उन्होंने कहा कि चीनी नायब सदर वांग कुशान अपने दौरे पाकिस्तान में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन बढ़ाने के लिए मुआहदों और मुफाहमती जायदादों पर पाकिस्तान और चीन दस्तखत करेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं, जबकि अब फैसला किया गया है कि दो दिन तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो बस बंद रहेगी। मेट्रो बस 27 और 28 मई को बंद रहेगी और 29 मई बरोज बोध से दोबारा काम शुरू कर देगी। वांग कुशान इतवार की सहपैर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां इनका इस्तकबाल किया गया और अब वो वजीर आजम इमरान खान से वजीर आजम हाउस में मुलाकात करेंगे। चीनी सदर तीन रोज तक पाकिस्तान में रहेंगे और इस दौरान वो कई मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे और कुछ मुआहदों पर भी दस्तखत करेंगे। चीनी नायब सदर पाकिस्तान के दिगर हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे।